गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। वीडियो नंबर 165। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ग्रामर के, आखिरी में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एमपी वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी के, जो कि आपके सीटेट में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और ग्रामर वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले उनकी ग्रामर करा देंगे तो फिर वो जो मतलब केवल ग्रामर देखना चाहते हैं वो ग्रामर देख के बंद कर देंगे वीडियो को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है बहिर्मुखी, इसमें कौन सा उपसर्ग है? देखो पहले मैं बताऊंगा आंसर क्या है। आंसर है इसका बहिर। अब बहिर क्यों? ब ही और ये जो ऊपर रेफ ये वाला होता है, रेफ वाला रा, कौन सा रा होता है? रेफ वाला, और ये हमेशा आधा होता है। तो आधा होता है तो भैया आधा लगाओ हलंत के साथ। ठीक है, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये हो गया आंसर। और इसमें शब्द और कौन सा है? मुखी। ठीक है, ये हो गया आंसर। उपसर्ग लगते हैं आपके आदि में, आगे, या शब्द के आदि में या शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत। एक चीज बता दूं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, जैसे मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। मैंने चित्रवृत्ति, चित्र मतलब होता है मन में, किसकी तस्वीर बसा रखी? राम जी की, तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटुज, अनाम दास का पोथा और अशोक के फूल, ये जरूर याद कर लेना, ये तीन इनकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्यादा। पता है जो हमारे वेद पुराण है ना, वो सब हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं, तो मर्यादा किसकी है? द्विवेदी युग की। ठीक है, नेक्स्ट मृगधर, मृग को कौन धारण किए हुए? मयूर, मयूर या चंद्रमा, ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। और चंद्रमा का एक पर्यायवाची और लिख लो, शशि, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हिमांशु। ठीक है, और एक और लिख लो, रा का मतलब होता है रात, और रात का है जो इस राकेश। ठीक है, ये भी है चंद्रमा का। ठीक है, अब इसमें दे रखा है मयूर, मयूर के कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिखी। क्या पूछा जाता है? सिखी, बहुत ज़्यादा। मयूर तो आपको पता ही है, दूसरा लिख लो कलापी, कलापी। अच्छा ऐसा बताता हूँ जिसमें दो याद हो जाए, एक लिखो मेहप्रिय, मेहप्रिय याद कैसे रखोगे? मेह मतलब होती है बारिश, या वर्षा लिखो, वर्षा का प्रिय। अब एक और आपको याद हो गया एक्स्ट्रा में, कि वर्षा का क्या होता है? मेह, मेहप्रिय, वर्षा का, वर्षा जिसको पसंद है, नृतक प्रिय, नाचना जिसको पसंद है। ठीक है, ये हो गए मयूर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगम का विलोम क्या हो? जंगम मतलब होता है जो चलता फिरता रहता है इधर उधर, स्थावर, एक जगह रुका हुआ, स्थावर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दानवीर, दान में वीर, दान में जो है वीर, अधिकरण में पेपर, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, और बीच में योजक चिन्ह लगा देता है इस तरीके से। एग्जाम्पल लिख लो माता पिता। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षेप, और समास का विलोम क्या होता है? व्यास, व्यास क्या होता है? विलोम। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ऐसे कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो जो सुमेलित है ना, पहले तो लिखो जो नहीं है, पादरी, पादरी में से इसे हटा दो, केवल पाद छोड़ दो, थोड़ा सा बलगर हो गया मगर याद करने के लिए, अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो तुम क्या दोगे? गाली, तो पुर्तगाली, पुर्तगाली का आलपिन, गमला, ये सब भी बताया मैंने। ठीक है, गलीचा किसका है? गलीचा, गलीचा में ऐसे याद करो गली, और इंडिया में ना लाखों अरबों गली हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? अरबी। ठीक है, अंग्रेज किसका हो जाएगा? अंग्रेजी का हो जाएगा, ये हो जाएगा अंग्रेजी का। कौन सा सही हो गया? आमंदनी होती है ना, तो किसी को भी फाड़ने की बात कर देता है। देखो ऐसे किताब फाड़ दी उसने, क्योंकि उसके पापा की आमंदनी बहुत थी, तो आमंदनी क्या हो जाए? फारसी। ये वाला सही था, केवल इसमें डी सही था। ठीक है, और चीनी भाषा का शब्द चाय और लीची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और रिक्शा तो हद से ज़्यादा पूछा गया है, ये है जापानी। ये प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ कि इन्हें दोनों को लिख लेना, मोस्ट की पावर इन्फाइनाइट, रसमलाई क्वेश्चन है ये। इसमें ऐसे कौन सा विकल्प तत्सम है? तत्सम बताना है, तत्सम क्या होते हैं?
संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, अब देखो बताऊं, सूर्य का तत्सम क्या होता है? सूर्य, सूरज का होता है सूर्य। ठीक है, और ग्राम का क्या होता है? ग्राम। ठीक है, वायु हो जाएगा या तत्सम। ठीक है, और नाच का क्या हो जाएगा? नाच का भी तत्सम होता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग में से मिस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वायु। ठीक है, अगर आपको नाच का तत्सम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखो, पश्चिमी हिंदी की कौन सी? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी, कुमायुनी, गढ़वाली, ये तो किसकी है? पहाड़ी की है। ये किसकी? पहाड़ी की। ए बी सी और याद कर लो, पूर्वी हिंदी की है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ठीक है, और ये किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी से हुई है। और ये पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? सौरसैनी से विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रथा शब्द का बर्तनी विश्लेषण करना है। देखो, जो ब्र था, अब ये क्या है? ब्री था, ब्रथा, री है, इसे क्या कहते हैं? अब री, अगर ये इस तरीके से होता ना, तो ये होता रा और ये पूरा रा होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा है, तो इसमें तो है नहीं, ये दे ही नहीं रखा, तो ये तो काट दो। अब बा क्या है? अधूरा है, तो ये काट दो, इसमें पूरा दे रखा है। ये अब इसके बाद देखो, पहले तो बनेगा बा अधूरा, फिर बनेगा री, ठीक है, फिर था आएगा प्लस थ, और इसमें पीछे क्या जुड़ रहा है? आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लोग पूछेंगे उससे, एक बार पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, 50 बार पूछेंगे, जब तक नहीं आए पूछते रहेंगे, क्योंकि स्कूल में पूछा होता ना, तो आज इतना पढ़ना ना हो पढ़ रहा होता। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे जाते आंखें फूटे, तो ये क्या होगा? सब परिस्थितियों में हानि होना। ये कहावत क्या? सब परिस्थितियों में हानि होना। कहावत ना अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। उजरत का मतलब क्या होता है? उजरत का अर्थ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको सबसे अलग पहुंचाते हैं। 99% लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, 1% लोगों को आएगा, और जो 1% लोग ही ना आज के टाइम में सिलेक्शन ले रहे हैं, 1000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1000 भर्ती निकल रही है, लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, तो आप खुद देखो क्या रेशियो आ रहा है। 1% की नौकरी लगनी है और 1% में आना है ना, तो अलग क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। क्या होता है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक नहीं देगा तो मजदूरी दे देगा, तो जो हम मजदूरी करते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? उजरत। संकलन आपको नहीं आती बिल्कुल संधि, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने इतना बताया है कि जहाँ पे भी अंकी बिंदी दिख जाए, तो वहीं से सा और ये दिख गई, तो ये यहाँ पे माँ लगा दो, प्लस आगे का जो जितना दे रखा वो सीधे का सीधा लिख दो, कलन, तो समधन कलन क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। ठीक है, और संधि शब्द में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, समधंधि होगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी का मतलब पता है यहाँ क्या है? नेताजी का मतलब कोई भी नेताजी के बारे में नहीं है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा आपकी होती है 3 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 होती हैं। और समुदाय और द्रव्य किस में आते हैं? भाववाचक में आ जाते हैं फिर। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सोणित का पर्यायवाची क्या है? सोणित का मतलब होता है रक्त। क्या होता है? रक्त। ठीक है, मोर का तो मैंने बताया था ऊपर, मेह प्रिय, नृतक प्रिय, कलापी, मयूर, सिखी, ये याद रखेंगे। देखो, स्वर्ण का एक अर्थ और क्या होता है? धतूरा। और धतूरे का एक और अर्थ क्या होता है? गेहूँ। ऐसे याद रखो कि धतूरे का मतलब सोना भी है और गेहूँ भी है, और एक क्या है वो खाके जो पागल हो जाते हैं ना, वो वाला धतूरा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका कमेंट बॉक्स में आप खुद जवाब दोगे, कल परसों ही कराया मैंने क्वेश्चन। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघ आए बड़े बंठन के, समर के, इसमें क्या कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। मेघ थोड़ी ना बंठन के आ सकते हैं, इंसान आते हैं, तो मानव जैसा रूप दे रहे हैं ना, तो वो होता है मानवीकरण। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण, आभूषण। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, 2 मेन है आपके, शब्दा और अर्थालंकार आपके एग्जाम।
शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अर्था में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। इस तरीके से लिख लेंगे चार चार, ये अगर आठ कर लिए ना भला हो जाएगा आपका। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, आपकी वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। उपमा में क्या होता है, सा सी से ये शब्द मिलते हैं, सरिस सम जैसा जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा आ जाए कभी, ये क्या अव्यय, या जितने भी आपके उपसर्ग आ जाए, या कोई ऐसा शब्द जिसका कि बहुवचन न बने, तो वहाँ सब में क्या हो, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ये, और तत्पुरुष का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय किसका भाग होता है, तत्पुरुष समास का। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, और वैसे हिंदी में आपके समास छः प्रकार के होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर चार में ऐसे कौन से हैं, दो जो नहीं होते, वो एक तो द्विग और कर्मधारय है, ये दोनों किसके भाग होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके तत्पुरुष समास के भाग, क्योंकि इनमें भी दूसरा पद प्रधान हो, वो छोड़ो खैर, तुम केवल इतना याद रख लो, पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो चार कर देना, वैसे पूछे डायरेक्टली तो छः कर देना। आर प्रत्यय से बना हुआ शब्द, दोनों बने, सोना में आर लगाओगे सोनार, लोहा में लगाओगे तो लोहार, ठीक है। पंडित जी ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब थोड़ा देखो, एक क्वेश्चन मैंने ऊपर समझा दिया इसी तरीके का, तो 25 का भी आप आंसर दोगे कमेंट, नहीं आता तो पूछो ना मेरे से, मैं किस लिए हूँ ये बता दो, आपके लिए नहीं हूँ, मेरा MP वर्ग 3 का पेपर है, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार, जब मैंने आप लोगों से कोई प्रॉमिस किया ना, तो मैं उसे पूरा करूँ। आप लोगों के नंबर लाना और दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। 365 दिन क्लास चलेगी तो चलेगी, और हर हाल में चलेगी। यहीं तक थे आप लोगों के क्वेश्चन, अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो जिसको पेडागोजी देखनी हो वो आगे कंटिन्यू करो, MP वाले कंटिन्यू करो, MP वर्ग 3 वाले और CTET वाले, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करके भाषा के नियम बना सकते हैं, सही है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, सही है। पिंड समृद्ध माहौल का सहायक है, सही। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ऐसी बात थोड़ी ना, व्याकरण के नियमों से भाषा विकास थोड़ी ना होता। अब देखो ऐसे समझो, अब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, भाषा विकास का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब बोलना आ जाए आपको, आपने बचपन से लेके अभी तक इंग्लिश के इतने सारे ग्रामर के रूल रट लिए, आपको बोलना आ गया इंग्लिश, नहीं आ गया। अगर बिना ग्रामर के रूल रटे भी ना हम लोग केवल बोलना स्टार्ट कर दें कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, आई के सेंटेंस बनाओ, आई वांट वाटर, आई वांट टू गो, इस तरीके से, फिर यू के बनाओ, तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे तो भाषा विकास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। एक बहुत सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अधिक किसको महत्व देंगे। देखो, भाषा शिक्षक है, भाषा मतलब भाषा का विकास करना है, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर अधिक से अधिक दो। देखो, अगर कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है, तो आप बोलो उसे ज़्यादा से ज़्यादा, गलत बोलो सही बोलो, एक टाइम ऐसा आएगा ना आपको पकड़ हो जाएगी उस भाषा पर, और अपने आप पता पड़ने लग जाएगा कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें लिख रहा है कि बच्चों को व्याकरण सिखाने से कोई भाषा नहीं आती, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना और स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, स्वयं करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे सीख जाएंगे, बच्चों को सिखाना है ना तो उन्हें खुद अवसर देने पड़ेंगे। कभी भी कहें ना, खुद से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं या हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो सब हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर हो चाहे कोई सा भी स्तर हो, पहली एक बात हमेशा के लिए याद रखें, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब सर्वमान्य सत्य, व्याकरण के नियमों को रटाना, ये शब्द अगर कहीं दिख जाए ना आपको पूरी पेडागोजी में, रटाना या परिभाषा लिखाना, या कहे कि आपसे सीधे ज्यों के त्यों याद करा देना, ज्यों का त्यों याद करा देना, या कहीं पे भी टीचर की काम चोरी हो, टीचर का समय बचा रहा हो, टीचर का समय बचेगा, ये सारे आंसर गलत होते हैं हमेशा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 2 साल से कंटिन्यू इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, पेडागोजी और साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो ये आंसर हमेशा गलत होगा, चाहे कोई से भी स्तर पे पूछ ले, कभी पूछ ले, रटना दिख जाए या व्याकरण के नियम दिख जाए, परिभाषा दिख जाए, हमेशा गलत कर देना, ठीक है, सोचना ही मत, ठीक है। मगर एक चीज़ देख लेना, कहीं ऑप्शन में वो क्वेश्चन में नहीं ना लिखा हुआ हो, कौन सा आवश्यक नहीं है, इस तरीके से
तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ लेना उच्च प्राथमिक स्तर पर। और हमेशा एक चीज़ बता दूँ, नहीं जरूर देखा करो, क्वेश्चन में नहीं तो नहीं लिखा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य सहायक है। कौन सा सहायक है? देखो मैंने क्या बताया था, कंठस्थ करना या तो, ये तो हमेशा गलत होता है। अत्यधिक, कभी भी कह देना अत्यधिक, या नियम की बात कर दे बहुत ज़्यादा, तो वो भी गलत होता है हमेशा, ठीक है। कंठस्थ करना ये भी गलत। आपको क्वेश्चन पढ़ना आता हो, आंसर निकालना आता हो चाहे ना आता हो, जो मैंने बता दिया ना उतना सीधे सीधे अप्लाई कर दोगे ना, कंठस्थ कट गया, अत्यधिक कट गया, नियमबद्ध कट गया, कंठस्थ कट गया, आंसर क्या बच गया? डी बच गया। कोई मेहनत करनी पड़ी? नहीं करनी। फालतू अल्लाह मचाया हुआ है कि सी टेट नहीं होता या MP नहीं होगा। थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगा लो। और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, हमेशा हम आगमन विधि क्या है पहले तो ये समझ लो। आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर। क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर। पहले हम बच्चे को उदाहरण सिखाएंगे, फिर नियम बताएंगे, ठीक है। और बताऊँ, ये सीधे सीधे पूछ लिया था कि आगमन विधि कौन कौन सी होती है, तो ये लिखो उदाहरण से नियम बनाएंगे, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये कॉपी में लिख लेना, सीधे पूछे जाते हैं कि इसमें से आगमन विधि का कौन सा नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से क्या चलते हैं? अज्ञात। सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त, ठीक है। ये लिख लेना अपनी कॉपी में जरूर, ठीक है। और ये किसने बताए थे? न्यूमैन और स्टर्न ने बताए थे, विश्लेषण वगैरह करना, ठीक है। इतना याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, आगमन विधि। सुरभि अक्सर डा, ये वाला डा वाले शब्दों को गलत तरीके, अच्छा ये बताओ, एक तो ये होता है और एक ये होता है और इनके नीचे ना नुक्ता लगा रहता है, ये कौन से वर्ण होते हैं? इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण, द्विगुण, ठीक है, या नवविकसित दुनिया भी कहते हैं। और एक डा ये होता है, ये होता है क ख ग ड़ का वर्ग वाला। एक होता है ये डा, ये टा वर्ग का होता है, ठीक है। तो इन तीन तरीके के डा हैं आपके हिंदी में, तो तीनों में अलग अलग अंतर याद रखेंगे। तो ऐसे शब्दों को उच्चारण करने में गलती कर दी, तो आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों की बोलकर अभ्यास कराने के लिए कहेंगे, बोलकर अभ्यास करा दो, अपने आप सही बोलने लग जाएगी। इतने ही थे आज के, आज आपका पता पड़ेगा कि जितने भी MP वर्ग वाले हैं, अगर चाहते हो कि ट्रिक्स बताऊं इस तरीके की, आपको कुछ शॉर्टकट्स बता दूं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम ना क्लियर हो जाए अच्छे नंबरों से। 120 प्लस या 125 प्लस का हमारा टारगेट है, बाकी आप जितना करना चाहो ज़्यादा, मैं तो हमेशा 125 प्लस को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आपसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखूँगा, जितने भी MP वाले हैं या CTET वाले हैं, कि इस वीडियो को अगर शेयर करोगे तो मैं भी आप लोगों के लिए थोड़ा रिसर्च करूँगा, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।